भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन पर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी बहनों के यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से 2 डिलक्स बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और लड़कियां सवार थी। रवानगी के पहले सीएम योगी ने बसों की पूजा अर्चना की, जिससे यात्री अपनी यात्रा आसानी से कर सके। यात्रा कर रही कुछ यात्रियों ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निशुल्क यात्रा के लिए योगी सरकार की सराहना की। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा। बात तो सही है। हेलो भैया, पीछे हो थोड़ा, हेलो पीछे हो। अरे माइक कौन है भाई? Yeah.
जी भाई को राखी बांधने के लिए। ये योगी सरकार जी की तरफ से बहुत ही अच्छा बहनों को गिफ्ट मिला है। ये हमेशा मेमोरीज है, बहुत अच्छी मेमोरीज है, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ तहे दिल से। राखी भाई को राखी बांधने हाँ जी, नहीं जी बिल्कुल मुफ्त सुविधा है और जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है, जिससे हम लोग बहुत आसानी होती है और कोई भी जो नहीं मिल पाते हैं भाई से वो उन किराया देना पड़ेगा और जा सक मिल सकते हैं। अयोध्या जा रही हूँ, आज पूर्णिमा है, स्नान करने। नाइस गिफ्ट, थैंक यू। भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन का आज पर्व है। पूरे प्रदेश के अंदर बहनें अपने भाइयों के रक्षाबंधन के माध्यम से रक्षा का एक संकल्प उन्हें दिलवा सकें, इस दिशा से प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में बहनों के निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। आज यहाँ पर सोनौली और देवरिया के लिए दो बसेस अभी मैंने प्रारंभ की हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं भी और जिस भी प्रकार की बसेस उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की होंगी, उन सब पर बहनें अपने गंतव्य तक पहुँच सकती हैं, वहाँ से वापस आ सकती हैं। रात्रि 12 बजे तक यह सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण पवित्र पर्व है। भारत के अंदर भाई बहन के जो रिश्ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण माने रखते हैं। एक बहन अपने भाई की रक्षा का संकल्प लेती है तो रक्षा सूत्र के बदले बहन की सुरक्षा का वचन भी एक भाई अपनी बहन को देता है। आज के परिप्रेक्ष्य में रक्षाबंधन के पर्व का और भी महत्व है, ख़ास तौर पर तब जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि पाश्चात्य उपभोक्ता संस्कृति तेजी के साथ समाज में जब हावी होती हुई दिखाई देती है, इस प्रकार के पर्वों का महत्व और भी बढ़ जाता है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक भाई अपनी बहन की सुरक्षा का संकल्प आज के इस पवित्र पर्व के अवसर पर लेगा और प्रत्येक बहन और बेटी को सुरक्षा की गारंटी समाज और सरकार मिलकर के देने में सफल होगी। रक्षाबंधन के इस अवसर पर सभी बहनों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस में आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई है। यह सुविधा रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगी। मैं इस अवसर पर रक्षाबंधन की अपनी हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ।